वेलकम टू अनदर एपिसोड बादशाह आपका ना सलमान खान और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच जो एमसीजी में खत्म हो गया आज और इंडिया ने आठ विकटों से शानदार फतह हासिल करके सीरीज को एक एक कर दिया है अजिंक्य रिहानी की uh, कप्तानी में ये इंडिया की बहुत शानदार फतह स्पेशली आफ्टर वट हैपन इन द फर्स्ट गेम एट एडलेट जो ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीत गया था और इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उस वक्त भी नजर आई थी नॉट गो आफ्टर एनी हम इस पर मजीद बात करेंगे और हम मजीद बात करेंगे आज दूसरी सीरीज जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की चल रही जो मैच चल रहा है उसके चौथे दिन चौथे दिन पे आप आपको भाई ओ मेरा शो रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा पाकिस्तान तो भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा पाकिस्तान न्यूज में जैसे ये कह रहे हैं कि ये बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड न्यूज्ञे। के चौथे दिन के खेल पे और देखा जाएगा ये क्या कहते हैं खैर इनकी तो इनसे ही सुनेंगे बहरहल मैच अपना कंटिन्यू करता हूँ लेकिन इतनी देर में जितनी देर में हम इसमें बात करें अच्छा अच्छा पानी पीने जा रहे हैं ये पानी पी कर आ जाए तो उनसे बात होगी अच्छा तो आप इतनी देर में ये पानी पी कर आते हैं और मैं उस तो इतनी देर में अपनी बात करता हूँ लेकिन आप बादशाह के सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे और आपकी मोहब्बत हमारे साथ शामिल होते रहे होते हैं शामिल ब्रेक के बाद वो तो पानी पीकर अभी तक वापस आए हाँ नहीं लेकिन हम अपने शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की जो इंतहाई एक तरीके से वन साइडेड मैच बन गया दूसरा वाला और बड़ी इसमें आप इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है कैरेक्टर उनका नजर आया एज ए टीम जो इस वो डिवेलप हुए इस डेकेड में जो उन्होंने प्रोग्रेस दिखाया है अपनी क्रिकेट में वो नजर आई है कि आप 36 के स्कोर पे आउट होकर पहला टेस्ट मैच लूज करने के बाद एक मेंटली दबाव का शिकार हो जाते हैं लेकिन इंडिया ने उस चीज़ को आज नहीं दिखाया पूरे टेस्ट मैच उन्होंने जिस तरह फाइट की है कप्तान के ना होने के बावजूद ईशांत शर्मा जैसे बॉलर के ना होने के बावजूद अपने मेन बॉलर शमी के ना होने के बावजूद कोहली के ना होने के बावजूद जिस तरह इंडिया ने फाइट दिखाई और अजिंक्य ने जिस तरह कप्तानी का चार्ज संभाला वो जिसकी जितनी भी तारीख की जाए कम है इंडिया ने आठ विकटों के नुकसान पे आठ विकटों से ये मैच जीता है दो विकटों के नुकसान पर सत्तर का टारगेट चेस किया आज जब बैटिंग शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की सुबह एक सौ तैंतीस छह आउट थे कमिंस और ग्रीन खेल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को किसी तरह का रिस्पेक्टेबल टोटल दिया जाए दो रन की लीड थी खाली लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको खींच नहीं पाए और 200 रन फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने क्रैक किया सीरीज़ में और 200 रन की उन्होंने वो बारी खेली और वहां तक पहुंचने 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 तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहीं तक जा पाई और सिक्सटी का सिर्फ टारगेट सेवेंटी का टारगेट उन्होंने दिया जो बहुत बड़ा टारगेट नहीं था लेकिन छत्तीस का एक हिंसा जो है और छत्तीस का एक जो नंबर है वो इस वक्त इंडियन टीम के साथ चिपक गया है ज़्यादा प्रेशर होगा और जब उन्नीस रन पे दो विकटें गिरी इंडिया की तो उस वक्त एक अजीब शेख की सिचुएशन पैदा जरूर हुई थी लेकिन शुभमन गेल और अजिंक्य रहाणे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके और 50 प्लस की पार्टनरशिप बना के इंडिया को वो मैच जिता दिया और शुभमन गेल जो कि अपना पहला करियर का मैच खेल रहे थे ही कंप्लीटली लोग यू नो बिलोंग like बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग करी है इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस और टेस्ट मैच का हम जायजा जरूर लेंगे हम इस मैच को रिव्यू जरूर करेंगे लेकिन सीरीज अभी बहुत बड़ी है अभी सिर्फ दो मैच हुए और वन वन हो चुके हैं तीसरा मैच और चौथा मैच अभी आने वाला है हम उसमें मजीद अपनी बात जारी रखेंगे लेकिन अजीक रिहानी की जितनी तारीफ की जाए उनकी कैप्टनसी की कम है उन्होंने इंडिया को एक बहुत अमेजिंग सपोर्ट दिया बहुत अमेजिंग चार्ज संभाला उन्होंने कोहली के जाने के बाद जो इंडिया बिल्कुल डाउन इन द डीप वुड्स थी उनको वहाँ से पुल करके एक टीम की तरह खड़ा किया सिराज उनका डेब्यू गेम था उन्होंने बहुत जान मार के बॉलिंग करी और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को परेशान किया अपने बाउंस की से पेस की से बुमराह की क्या बात है बुमराह हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग और इंडिया की टीम जो है ना वो एक चढ़ी हुई नजर आई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑन दी अदर हैंड दे वल लॉट टू वर्क टू डू उनकी हमेशा बैटिंग बड़ी स्ट्रांग रही है डे वॉर्नर के ना होना उनका वो टेम्पो खराब होना शुरू में ना मिलना वो उनके अगेंस्ट जा रहा है और कितने अर्से तक कि ऐसा होता रहेगा यह मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त टाइम है सोच सोच विचार करने का बर्नस का टाइम आ चुका है वो बर्न हो चुके हैं अपने इंटरनेशनल कैरियर में अब उनको निकाल के किसी और को लाना चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया अपना प्रेशर आ सके होपफुली ये सीरीज इसी तरह जानदार और मजेदार होती रहे द लो स्कोर्स वी आर सीइंग और मैच जो है वो उस, उसी तरह एक्साइटिंग होते रहे बात करेंगे ये आ गए हैं पानी पी के और इन पर हम छोड़ते हैं और बात देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं मैं अपनी जगह से हट जाऊँगा मैं तो यहीं बैठने दूंगा ताकि ये इज्जत के साथ सुकून के साथ अपना अपनी बात कर सके ठीक है जी तो मैं तो चला पहुंच गया ले जी आ जाए पे इधर मैं हट जाता हूँ ये तो करके अपनी बात वो थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैं जाता हूँ पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ की बात कर लूँ जरा से मैं आपसे तीसरे चौथे दिन का खेल ख़त्म हुआ है शुरू पाकिस्तान का हुआ था आ, हम कल देख चुके थे कि पाकिस्तान की इनिंग कल ख़त्म हुई थी और आज न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग स्टार्ट की तो बहुत बुरी मार पड़ी पहले तो हंड्रेड रन की पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की होगी वैसे ही वन नाइनटी टू की लीड पर थे ऊपर से सौ रन की पार्टनरशिप उन्होंने कर दी लेकिन एक चीज़, चीज़ अच्छी हुई कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो है अगली सत्तर रन पे पांच विकटें ले पाए जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को थोड़ा सा फोर्स डिक्लेरेशन करनी पड़ी और स्कोर जो टारगेट बना वो थ्री सेवनटी टू का बन गया अब पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो अमीन अलहमदिल्ला एज यूजल पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो बड़े हरदिल अजीज और बड़े क्या कहते हैं ना कि बड़े खुश मिजाज हैं खुश अख्लाक हैं उन्होंने कहा नहीं जी आज तो हमने लगा देने हैं दरिया बहा देने हैं सखावत के अपनी विकटें देकर आनी है एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल का जब टी हुई थी उस तो उसका लग रहा था फुटबॉल का स्कोर है क्योंकि फोर टू लग रहा था क्योंकि चार रन पे दो विकटें गिरी हुई थी जीरो पे दो विकटें पाकिस्तान की गिरी थी और आबदली और शान मसूद चलते पर कुछ कोई भी डैमेज नहीं कर पाए वो इस टारगेट के ऊपर लेकिन वहाँ से संभाला दिया थोड़ी देर के लिए हारिस सहेल और अजहर अली ने उनकी छत्तीस या सैंतीस की पार्टनरशिप हुई है और अब आ, खड़े हुए हैं विकेट पे फवाद आलम इक्कीस रन नॉट आउट पे और अजर अली चौतीस नॉट आउट पे और सेवनटी वो थ्री पाकिस्तान का स्कोर है तीन सौ दो रन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को कल मैंने कहा था कि सेशन जीतने पड़ेंगे दो सेशन न्यूजीलैंड ने खेले उन्होंने जिस तरह मैंने कहा था टी से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही छह सात ओवर पहले उन्होंने अपना वो सेशन रैप अप किया डिक्लेरेशन करी ताकि पाकिस्तान को चैलेंज कर सकें उसमें दो विकटें भी उठा ली उन्होंने दो सेशन न्यूजीलैंड डेफिनेटली जीत गया अब तीसरा सेशन पाकिस्तान ने स्ट्रगल जरूर किया लेकिन वो थोड़ा सा इवन स्टीवन हो गया अगर और विकेट गिरती तो मैं कहता न्यूजीलैंड की साइड पर चला गया अब यहाँ से पाकिस्तान के पास तीन सेशन नबे ओवर मौजूद हैं क्या पाकिस्तान सर्वाइवल की तरफ जाएगा क्या पाकिस्तान रन की तरफ जाएगा लगता नहीं इस बैटिंग लाइन अपने देखे कि हम जाएंगे सिवाय फहीम अशरफ के किसी ने और रिजवान के किसी ने अग्रेसिवली न्यूजीलैंड के बॉलर्स को टैकल नहीं किया थोड़ी बहुत उम्मीद है इस वक्त फवाद और रजली से बाकी है कि अगर उनकी पहले सेशन में अगर वो तीस ओवर खेल गया पहला सेशन पाकिस्तान बग़ैर विकेट के खेल गया तो वहाँ से क्या पता पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाए कि उस टोटल को चैलेंज कर सके लेकिन स्ट्रेंजर सेंजर्स वैप एंड थोड़ा सा बाउंस अनिवन आ रहा है कुछ बॉले बहुत नीचे आई हैं अजहर अली ने काफ़ी लो खेली हैं फवाद आलम ने एच किए लेकिन बड़े सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं अजहर अली और फवाद आलम की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो फवाद आलम जो है बड़े सॉफ्ट हैंड से खेल हैं जिसने हमने किंग विलियम्स को खेलते देखा है अजहर अली थोड़ा हार्ड जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी बात साबित हो सकती है जहरली का रुकना विकेट पर बहुत जरूरी है हीज़ शो स्टोन पाकिस्तान बैटिंग बाबर आजम की गैर मौजूदगी में एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं सीनियर प्लेयर भी हैं उनको अपना जो है काम करना पड़ेगा पीछे फहीम रिजवान यासिर ये मौजूद हैं लेकिन पहले बैट्समैनों को अपना काम करना पड़ेगा तीन सौ बहत्तर का टारगेट डेफिनेटी एक बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ से पाकिस्तान टीम अगले तीन सेशन में कैसे कंट्रोल करेगी अब पाकिस्तान तकरीबन पैंतीस ओवर खेल चुकी है पुराने इस नई गेंद से जो कि तो पुरानी होती जा रही है और न्यूजीलैंड के देखा कि सेंटर थोड़े से इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं क्योंकि बॉल बहुत बड़ी पुराना शुरू हुई है दिन पिच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है तो आप लोग ज़रूर मैच देखें और हमारे साथ शामिल होते रहें और बताते रहें हमारे अपने ख्याल भी शामिल करते हैं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान मैच बचा पाएगा या नहीं या न्यूजीलैंड पहला मैच जीत जाएगी अब इसका पता चलेगा कल के दिन के खेल के बाद जो कि आखिरी दिन का खेल है पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बात है कि पाँचवें दिन में पाकिस्तान खेल ले गया इस वक्त वहाँ से क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और देखते हैं लोग हमारे नाइन्टी नाइन परसेंट पाकिस्तान कहते हैं अब यहाँ से मौजूद की उम्मीद है मेरे ख्याल में मौजूदों पर बिलीव ज़रा हमें कम करना चाहिए और हमें मेहनत पर थोड़ा बिलीव करना चाहिए हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जो अगर वो डिसिप्लिन से खेलें तो पिच में इतनी ज़्यादा कोई डेवलश नहीं है डेवलिश पिच नहीं है ख़तरनाक पिच नहीं है वहाँ पाकिस्तान अगर अप्लाई करे अपने आप को तो टारगेट भी अचीव हो सकता है और मैच भी बचाया जा सकता है लेकिन बना इसका फैसला तो कल कल होगा पता चलेगा इसी टाइम पे कि पाकिस्तान कहाँ तक इस ख्वाब को पूरा कर पाई बादशाह देखते रहे जिस मैंने कहा था ये तो चलेगा अपना काम करके इंडिया की बात करके अब मैं आ गया हूँ पाकिस्तान की बात करके अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्या ख्याल आते हैं अपने कॉमेंट ज़रूर शामिल करें बादशाह देखते रहें मैं हूँ आपका हो सलमान खान खुदा हाफिज़